हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो टेक्स्ट फॉर्मूले को लेकर के है, तो चलिए टेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। और इससे भी पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा नेम ऑफ सेल्समैन और डेट ऑन सोल्ड। ठीक है, तो ये सेल्समैन के नाम है और ये किस डेट पे इन्होंने इसको बेचा है वो डेट है। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, आपने कॉनकैटिनेट फॉर्मूला जरूर यूज किया होगा। कॉनकैटिनेट क्या करता है, कॉनकैटिनेट दो चीजों को कॉनकैटिनेट कर देता है, यानी एक साथ लेके आ जाता है। जैसे ये टेक्स्ट वन हो गया कॉमा दिया और फिर ये डेट है, तो ये डेट ये दोनों एक साथ आ जाएंगी और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये दोनों एक साथ आ गई हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डेट का फॉर्मेट है ये कन्वर्ट हो गया है नंबर में। टेक्स्ट तो आ जाएगा लेकिन डेट जब लेके आएंगे तो ये किसी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। यही सेम कहानी एंड के साथ भी है, आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एंड फॉर्मूला यूज करके दिखाया था कॉनकेटिनेट करने के लिए। तो यहां पर अगर आप इज इक्वल टू करके और राम एंड फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड का सिंबल यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इसे कन्वर्ट कर देगा ये नंबर में। ठीक है, तो ऐसे में प्रॉब्लम है। तो यहां पर टेक्स्ट फॉर्मूला बड़ा ही कारगर हो जाता है आपके लिए। इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। और यहां पर लिखते हैं टीईएक्सटी टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट फॉर्मूला लगाने के बाद सबसे पहले हम डेट को सेलेक्ट करेंगे। ये पहला वाला B1 B2 में जो लिखा हुआ है राम लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, पहला डेट में सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डेट को सेलेक्ट कर लिया। डेट को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली देना है एक कॉमा। ठीक है, कॉमा दे दिया हमने। और अब हम फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, जैसे हम रखना चाहते हैं MMDDYY या DDMMYY, जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हम रखना चाहते हैं MM, फिर रखना चाहते हैं DD, फिर YY, तो ये YY 4 times लिखेंगे आप और इसको क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और फिर यहां पर M% यानी एंड का सिंबल लगाइए। और अगर आप कोई गैप या कोई हाइफन वगैरह देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं इजिली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर गैप देना है, आप बिना डबल नोटेड कोट्स के मत लगाइएगा, जैसे डबल नोटेड कोट्स में गैप दे देना है हमें। ठीक है, ये जो गैप है ये डबल नोटेड कोट्स में रहेगा। तो यहां पर देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, ये गैप दे दिया हमने। ठीक है, और अब एंटर प्रेस किया तो यहां पर देख सकते हैं ये गैप आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बीच में हाइफन या कुछ और आए, ठीक है, तो आपको वही चीज यहां पे देनी होगी, इस गैप के बीच में ये गैप हटा देना होगा और हाइफन दे देंगे तो ये हाइफन आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं हाइफन आ रहा है। और अगर आप कुछ और गैप ही देना चाहते हैं तो यहां से हटा दीजिए इसको और फिर गैप ही रहने दीजिए। गैप ज्यादा करना चाहते हैं तो यहां से थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए और ये इस तरीके से आएगा। और फिर यहां से इसको ड्रैग करते हुए चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबका इसी तरह से आ गया है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मूला था जो कि किस तरह से यूज किया जाएगा, बहुत ही बेसिक यूज मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।